दोस्तों आज मैं आपको लेकर के चलता हूँ बोर्ड ऑफिस। दोस्तों हमको या किसी दोस्त या किसी परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कभी कभी क्या होता है, हमको बोर्ड ऑफिस आना पड़ता है, नाम सुधरवाने या मार्कशीट जैसे गुम गया तो उसकी कॉपी निकलवानी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ घड़ी चौक पे, देख सकते हैं ये घड़ी चौक है और ये लेफ्ट साइड जो रास्ता है ये जाता है सीधा स्टेशन के लिए, और मैं अभी खड़ा हूँ DKS हॉस्पिटल है घड़ी चौक पर वहीं पर, और ये जो मेरे पीछे साइड है ये रास्ता जाता है सीधा टाटीबंध वगैरह के लिए, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि हमको बोर्ड ऑफिस जाना है तो कैसे जाएं, क्योंकि हम बोर्ड ऑफिस डायरेक्ट किसी ऑटो वाले को बोलेंगे तो 150 इस प्रकार से ले लिया जाएगा। यदि आप एक या दो लोग हैं यार तो इतना पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, और मैं आपको बताता हूँ कि आप बहुत कम किराए में कैसे पहुँच सकते हैं। ये तेलीबांधा रोड है, सामने जो देख रहे हैं, तो आपको इधर उधर नहीं जाना है। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से मैं दिखाता हूँ कि आपको राइट साइड चलना है, वहाँ से आपको गाड़ी लेना है, जो गाड़ियाँ पचपेड़ी नाका संतोषी नगर जाती ना उस गाड़ी में बैठना ऑटो में, और 10 रुपये एक सवारी का लिया जाएगा। और आपको जाना कहाँ है दोस्तों, आपको जाना है महिला थाना, और ये जो पचपेड़ी नाका संतोषी नगर वगैरह की गाड़ियाँ जाती ना बस स्टैंड, वही गाड़ियाँ जाती है महिला थाना, यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा। ठीक है, 10 रुपये एक सवारी का लिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप यदि अकेले हैं या दो लोग हैं तो एक का किराया 10 और दो लोग हैं तो 20 रुपये। ठीक है, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों मेरा नाम है मानेंद्र और राजधानी गाइड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बोर्ड ऑफिस लेकर के चलता हूँ, तो प्लीज़ आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए कि कहाँ से कैसे जाना है। तो दोस्तों हमारे साथ या हमारे परिवार वाले या दोस्त यार बच्चों के सिलसिले में कई बार होता है हमको बोर्ड ऑफिस आना पड़ता है, और मेन चीज़ हमें होती नहीं है जानकारी। सबसे बड़ी कमजोरी कि हमको जानकारी नहीं होती कहाँ से कैसे जाना है, किधर जाना है, हम टोटल गाड़ी वालों के ऊपर डिपेंड होते हैं, है ना। तो क्या होता है दोस्तों, बस यही कारण है कि हमसे पैसा ज़्यादा ले लिया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप स्टेशन में हैं तो घड़ी चौक आ जाइए, 10 रुपये देकर, लोग 20 बोलेंगे लेकिन आप 10 रुपये में कई ऑटो वाले ले आते हैं, आप आ जाइए। एक बार नहीं बोलेगा, दो नहीं बोलेगा, तीन नहीं बोलेगा, चौथा पांचवा लेके ही आएगा आपको 10 रुपये में, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां जो स्टेशन जाती है छोड़ने सवारी तो लोग खाली आते हैं, तो भाई आपका 10 रुपये मिल रहा है उनको तो क्या बुरा है, तो ले करके आएंगे, है ना, ऐसी टेंशन वाले कोई बात नहीं। और रायपुर शहर में तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि गाड़ियों की कमी नहीं है, बहुत ही सस्ता किराया है गाड़ियों का। तो अब हम बढ़ रहे दोस्तों महिला थाना की ओर, बस बताया ना मुश्किल से घड़ी चौक से 1 किलोमीटर के आसपास होगा, है ना। और आप यदि बस स्टैंड से आ रहे हैं तो दोस्तों आपको बस स्टैंड से आ रहे हैं तो घड़ी चौक नहीं आना है, या पचपेड़ी नाका से, कई लोग क्या होता है जगदलपुर बैलाडीला साइड से आते हैं तो पचपेड़ी नाका से आते हैं, या आप कहीं और शहर से आए हैं तो आप बस स्टैंड उतर गए तो वहाँ से भी आना है, तो आपको घड़ी चौक नहीं आना है, आपको वहीं से सीधा आ जाना महिला थाना, और महिला थाना का 10 रुपये ही किराया लिया जाएगा बस स्टैंड से, है ना। तो पहले कभी भी ऑटो में बैठे तो आप बात करके ज़रूर बैठें, क्योंकि आने के बाद फिर वो मुंह फाड़ने लगते हैं। मैं खुद ऑटो वाला हूं दोस्तों, हालांकि ये बोलना नहीं चाहिए, सभी को ऐसा नहीं होता, लेकिन एक एहतियात के तौर पे आप ज़रूर इस बात को ध्यान रखें कि बैठने से पहले किराया ज़रूर पूछ लें। तो दोस्तों ये आ चुके हम महिला थाना, ये सामने देख सकते हैं, है ना, ये महिला थाना है, और इसके बगल में जस्ट लगा हुआ है देखिए दीवार जो बाउंड्री वाला इसका ख़त्म होता है ना, वहीं से एक रास्ता गया हुआ है, वो जाता है सीधा दोस्तों आगे होली क्रॉस हायर सेकेंडरी स्कूल, और ये सामने देख सकते हैं बड़ा सा बोर्ड वगैरह है, चौक बना हुआ है, ये राइट साइड जो रास्ता है कालीबाड़ी की ओर जा रही है, यहाँ ये रास्ता दोस्तों कालीबाड़ी नगर निगम की ओर जाता है, है ना, और ये जो रास्ता है भी उधर ही आगे जाता है कालीबाड़ी होते हुए पचपेड़ी नाका संतोषी नगर बस स्टैंड जिधर गाड़ियाँ जा रही है, तो चौराहा टाइप का रास्ता है दोस्तों। यहाँ पर जो बड़ा सा बोर्ड लगा है ना उसके बगल से, और महिला थाना का जो बाउंड्री वाल है उसी से लगा हुआ रास्ता है, देख सकते हैं ना। तो यहाँ से आपको सीधे जाना है, इधर उधर नहीं जाना है, पेंशन बड़ा वाला रास्ता बोल सकते हैं, किसी भी से पूछ लीजिए पेंशन बड़ा वाला रास्ता, तो यही है सामने बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको बोर्ड दिख जाएगा पेंशन बड़ा करके, बस आपको इसी रास्ते पर जाना है सीधा। तो अब आप यहाँ पर उतर जाएंगे दोस्तों 10 रुपये दे करके, है ना। तो यहाँ से आगे कैसे जाना है वो मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप बस स्टैंड से आएंगे तो आपको बस वाला कहाँ पे उतारेगा, आपको ये सामने जो रास्ता जाता है तो क्या बस स्टैंड, बस वाला आपको आगे उतारेगा यहीं पे, तो आप इस पार आ जाना, और सामने बोर्ड देख रहे हैं दोस्तों, है ना, ये इसमें लिखा हुआ पेंशन बाड़ा वगैरह, है ना। तो यहाँ से आपको सीधे जाना है, सीधे मतलब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा दोस्तों 5-7 मिनट, कोई ना कोई ऑटो ई रिक्शा वगैरह जाते रहते हैं, इधर स्कूल वगैरह है और बहुत सारे यहाँ के ऑटो वाले जो सवारी छोड़ने जाते हैं तो वापस जाते रहते हैं, तो उसको 10 रुपये में दे करके आप जा सकते हैं, कहाँ तक हो सकता है वो पूरा वहाँ
उतना नहीं जा रहा होगा बोर्ड ऑफिस तक, तो आप उनसे बोल सकते हैं पॉली क्रॉस हायर सेकेंडरी स्कूल के पास उतार दीजिए, है ना। तो उतना दूर पहुंच जाएंगे तो फिर वहां से नज़दीकी है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं आगे की ओर। तो इतना अपना दोस्तों इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो कंटिन्यू रहते हैं। देख सकते हैं एक ऑटो जा रहा है खाली, है ना, ये सवारी छोड़ने जा रहा होगा या तो सवारी लेने जा रहा है। हर गली गली में ऑटो, यार ऑटो की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको ऑटो ई रिक्शा मिल जाता है, 10 रुपये दे करके आप आ सकते हैं। बोर्ड ऑफिस तक नहीं जाएगा तो कम से कम होली क्रॉस स्कूल तक आ जाएंगे, तो वहाँ से फिर आप आराम से पैदल जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं, दिखा रहा हूँ आगे, है ना, ये चौराहा टाइप आ रहा है, एक चौराहा टाइप है रास्ता, तो वहाँ पे हम उतरना है, वहीं पे है होली क्रॉस स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल, होली क्रॉस हायर सेकेंडरी स्कूल, इस बात को ध्यान रखें, है ना। तो वहीं आपको उतरेंगे और 10 रुपये में आप वहाँ दे करके ऑटो वाले को उतर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और वहाँ से फिर आगे किधर जाना मैं बताता हूँ। ये देखिए एक ऑटो और जा रही है, खाली ऑटो, तो भाई इनको दे दी 10-20 रुपये मिल जाते हैं एक सवारी के पीछे, तो क्या बुरा है, ये लोग आराम से ले जाते हैं दोस्तों, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो दोस्तों हम बस पहुंचने वाले हैं होली क्रॉस हायर सेकेंडरी स्कूल। थोड़ा सा ब्रेक वगैरह है, मैं तो गाड़ी धीरे चला रहा हूँ क्योंकि गाड़ी है, ट्रैफिक भी है और वीडियो पकड़ा भी हुआ है, हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ, ब्रेकर है, तो दोस्तों मेहनत करना पड़ता है भाई। रियादी दोस्तों आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, या बोल सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो अगला कहाँ का बनाऊँ, ये आपके कमेंट के ऊपर है कि मैं नेक्स्ट वीडियो वहीं का बनाऊँगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस बेस पर बनाता हूँ दोस्तों, है ना, और जिसमें मुझे लगता है कि इस प्रकार के लोग आते हैं, परेशान होते हैं, तो मैं उस एक्सपीरियंस बेस पे वीडियो बना देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा होली क्रॉस स्कूल, देख सकते हैं साइड में, है ना, लेकिन हमको स्कूल नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपको ऑटो वाला आगे चौराहे के पास उतारेगा, वहाँ आपको उतरना है। मान लो यहाँ तक जा रहे तो नहीं तो उससे पूछ सकते बोर्ड ऑफिस जा रहे कभी, और मान लो 10 का 20 भी ले रहे तो कोई बुरा नहीं है भाई, है ना। तो यहाँ पे आपको ऑटो वाला उतारेगा, मान लो यहाँ तक आया तो, नहीं तो बोर्ड ऑफिस जाएगा तो 10-20 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। यहाँ आपको सीधा नहीं जाना है, सीधा देख सकते हैं आप गली टाइप है, और राइट साइड दिखाता हूँ, ये भी जो है ये पुलिस लाइन वगैरह के लिए गया हुआ है, PWD का ऑफिस भी है, और ये जो आपका लेफ्ट वाला रास्ता है आपको इधर ही आगे बढ़ना है, इधर उधर नहीं जाना है आपको, लेफ्ट यहाँ उतरने के बाद लेफ्ट साइड आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते लेफ्ट साइड के लिए, देखिए स्कूल ऑटो वगैरह जा रही है तो इधर गाड़ियों की कमी बिल्कुल नहीं है, बस ये है दिन के समय आना है, रात को तो भटक जाओगे और आने का भी कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों यहाँ आने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट साइड से आ सकते हैं मुश्किल से, जहाँ पे ऑटो वाला उतारा, जहाँ मैं आपको खड़ा होकर रास्ता बता रहा था, यहाँ पे लेफ्ट साइड मुश्किल से 100 मीटर होगा, 100 मीटर आगे जाना है, फिर वहाँ से राइट साइड की ओर मुड़ना है। चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको, एक थोड़ा सा टर्निंग आएगा, देख सकते हैं टर्निंग आता है, तो ये टर्निंग टाइप का रास्ता है, एक लेफ्ट एक राइट है, तो आपको राइट की ओर मुड़ जाना है। देखिए राइट साइड की ओर गाड़ियाँ जा रही है ना, और यहीं से फिर एक बगल लेफ्ट में कटा है, हल्का सा कट है, ये लेफ्ट कट है, है ना, ये लेफ्ट कट होकर के फिर राइट में ये डिवाइडर बना हुआ है, है ना, ये डिवाइडर वगैरह बना हुआ है, यहाँ से आपको राइट जाना है, यहाँ से मुश्किल 100 से 200 मीटर आगे राइट साइड में आपको बोर्ड ऑफिस मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते बोर्ड ऑफिस के लिए, रास्ता समझ में आ रहा होगा दोस्तों, नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा तो किसी भी पूछ सकते भैया सैलैन नगर वाला रास्ता कौन सा है, जहाँ पर मैं बताया ऑटो वाला उतारेगा 10 लेगा वहाँ से, है ना। तो ये देख सकते हैं दोस्तों ये सैलिन नगर भी है, इसी एरिया में आता है, ये बोर्ड लगा हुआ है सैलिन नगर, ठीक है। तो आपको इधर उधर नहीं जाना है, यहाँ से सीधा ही आगे बढ़ना है, किधर भी नहीं मुड़ना है। तो ये बस थोड़ी ही दूर में आपको दिखाता हूँ बोर्ड ऑफिस पहुँच जाएंगे, सैलिन नगर बोर्ड ऑफिस लगा ही हुआ है, लेकिन हमको सैलिन नगर नहीं जाना, हमको बोर्ड ऑफिस जाना है, इसलिए सीधे चलते रहना दोस्तों। यदि ऑटो मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप थोड़ा सा पैदल चल सकते हैं भाई, यदि आप 200-400-500 आधा किलोमीटर यदि पैदल चल लिए तो आराम से आपके पैसे भी बच जाएंगे और पहुंच भी जाएंगे यार। ये रहा दोस्तों एक बोर्ड आ रहा है, और ये बोर्ड मैं दिखा रहा हूँ, है ना,
यहाँ से ये जो टर्निंग है राइट साइड, इसके उस पार है बोर्ड ऑफिस। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये रहा दोस्तों छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, है ना। तो दोस्तों आप यहाँ पहुँच चुके हैं बोर्ड ऑफिस, और यहाँ से अंदर जाना है आपको। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं यार, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये देख सकते दोस्त, है ना, पाठ्य पुस्तक निगम बोर्ड ऑफिस, डी ओ ऑफिस, DEO ऑफिस। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये बोर्ड ऑफिस अंदर जाने का रास्ता है ना। और अगला वीडियो मैं किस सब्जेक्ट पर बनाऊँ या किस बारे में बनाऊँ तो कमेंट पर ज़रूर बताएं, क्योंकि यार दोस्तों आप लोगों का साथ ही मेरा हौसला बढ़ाता है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।